नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2, इसकी प्रमेय 6.2 हम इसका हल आज सीखेंगे। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है एक तरह से, तो आइए हम इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने इसमें देखना है, हमें दिया गया है कि यदि एक रेखा, जैसे मान लीजिए यह रेखा है DE, यह इसकी त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को बराबर अनुपातों में बांटती है, यानी कि हमें दिया गया है कि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सिद्ध करना है कि DE जो है यह BC के समांतर होगा। मान लो DE BC के समांतर नहीं है, हमें जो सिद्ध करना है हम उसे उल्टा मान रहे हैं। हमें सिद्ध तो करना है कि DE BC के समांतर है, लेकिन हम मानते हैं कि यह BC के समांतर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक रेखा है DE डैश, यह BC के समांतर होगा। ड्रॉ DE डैश समांतर BC के, हम इसको मान लेते हैं। मान लो कि DE डैश जो है यह BC के समांतर है। अब आप इस त्रिभुज में मान लो कि E बिंदु ही नहीं है, तो अब आपके पास देखिए ABC एक त्रिभुज है, DE डैश BC के समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहते हैं कि यदि यह रेखा इसके समांतर होगी तो यह इनको बराबर भागों में बांटेगी, बराबर अनुपातों में बांटेगी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार यदि DE डैश BC के समांतर है तो AD बटा BD बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, AD बटा BD है लेफ्ट साइड पर, AD बटा BD है लेफ्ट साइड पर, यानी AD बटा BD बराबर। दो समीकरणों में यदि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, है ना बच्चों? यदि राइट हैंड साइड भी बराबर हो तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इनकी लेफ्ट साइड बराबर है इसलिए राइट साइड भी बराबर होगी, AE बटा EC बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C के। अब हम इसमें इसकी दोनों साइडों पर 1 प्लस कर देते हैं, तो AE बटा EC इसमें 1 प्लस कर दो, इसी प्रकार AE डैश बटा E डैश C इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे EC और 1 का लघुत्तम EC, EC को EC से भाग किया 1 इंटू AE, प्लस EC को 1 से भाग किया EC, EC को 1 से गुना किया EC। इसी प्रकार यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 E डैश C, और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा,
ई डैश सी, और ये बन जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी उधर गुना होके बन जाएगा ई डैश सी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी मिलकर बन जाएगी यह पूरी भुजा यानी कि ए सी, और नीचे है ई सी। इसी प्रकार यहां पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी यह मिलकर भी हो जाएगी पूरी भुजा ए सी बटा ई डैश सी। अब देखिए ए सी से ए सी कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा ई सी बराबर ई डैश सी, ई सी बराबर ई डैश सी। क्या ऐसा हो सकता है ई सी बराबर हो ई डैश सी के? बच्चों देखिए ई सी बराबर हो ई डैश सी के, यह तभी संभव है जब ई और ई डैश एक ही बिंदु हो, तभी ई सी और ई डैश सी बराबर होंगे, है ना बच्चों? तो इसका अर्थ है ई और ई डैश संपाती बिंदु हैं, संपाती बिंदु यानी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, और यदि दो बिंदु संपाती हैं इसका मतलब डी ई डैश भी वही रेखा है जो डी ई है, और इसका मतलब हमने कहा था डी ई बी सी के समांतर नहीं है, डी ई डैश बी सी के समांतर है, लेकिन डी ई डैश भी डी ई ही है क्योंकि ई डैश और ई संपाती हैं। इसका अर्थ है सिद्ध हुआ कि डी ई बी सी के समांतर है। तो हमने बच्चों इस प्रमेय में सिद्ध करना था यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह रेखा थी डी ई, यह ए बी और ए सी को दो बराबर अनुपातों में विभाजित कर रही थी। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह जो रेखा है डी ई यह तीसरी भुजा बी सी के समांतर है, डी ई बी सी के समांतर है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को आप सरलता से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के वीडियो देखकर उन्हें भलीभांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।